नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। मायावती का चुनाव प्रचार का जोश एक बार फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का दोषी मानते हुए 48 घंटे का बैन लगा दिया था, और इसी बैन के चलते मायावती जनसंपर्क या चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी। परंतु चुनाव आयोग का बैन 18 अप्रैल यानी आज सुबह 6 बजे खत्म हो गया। इसी के बाद जानकारी है कि मायावती आज बिहार के गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर कुणाल किशोर विवेक चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं के पक्ष में बीएसपी सुप्रीमो मायावती गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती की पार्टी ने बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। गोपालगंज लोकसभा सीट पर लगभग 18 लाख मतदाता हैं। यहाँ पर करीब 4.5 लाख दलित, 2.25 लाख मुस्लिम, 3 लाख यादव और 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के बयान पर कार्रवाई ना करने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, और इसी के बाद मायावती पर चुनाव प्रचार करने की रोक लगाई गई थी। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे आई न्यूज इंडिया से। धन्यवाद।